All the people who talk about strike rates and me not playing spin well are the ones who love talking about this stuff. But for me, it's just about winning the game for the team. And there's a reason why. गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़ी आसानी के साथ अपने नाम कर लिया। यह इस सीजन आईपीएल में आरसीबी की तीसरी जीत है। इस मैच में विल जैक्स ने शानदार शतक जड़ा, जिसके कारण उनकी टीम यह मुकाबला जीत सकी। विल जैक्स के अलावा इस मैच में विराट कोहली ने भी शानदार पारी खेली। विराट आज के मैच में काफी एग्रेशन में नजर आए। विराट कोहली ने इस मुकाबले के बाद कई बड़े बयान दिए, जहां उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट के बारे में भी बात कही है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने पहले जैक्स पर कहा कि जब जैक्स बल्लेबाजी करने आए थे तो वह थोड़ा नाराज थे कि वह गेंद को उतनी सफाई से नहीं मार पा रहे थे जितना वह चाहते थे, लेकिन हमारे बीच केवल यही बातचीत हुई थी कि एक दूसरे का समर्थन करते रहें, टिके रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना विस्फोटक हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने मोहित शर्मा के ओवर में काफी रन बनाए, मेरी भूमिका पूरी तरह से बदल गई। मुझे खुशी थी कि मैं दूसरे छोर से खेल देख रहा था। मेरा मतलब है, मैंने सोचा था कि हम 19 ओवर में खेल जीत सकते हैं, लेकिन इसे 16 ओवर में समाप्त करना कमाल था। विराट कोहली ने अपने स्ट्राइक रेट पर हो रही बातों को लेकर कहा कि वे सभी लोग जो स्ट्राइक रेट और मेरे स्पिन को अच्छी तरह से नहीं खेलने के बारे में बात करते हैं, वे वही लोग हैं जो इस बारे में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये टीम के लिए खेल जीतने के बारे में है, और एक कारण है कि ऐसा मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने दिन ब दिन ऐसा ही किया है और आपने टीमों के लिए खेल जीते हैं। यदि आप खुद उस स्थिति में नहीं रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन नहीं है कि एक बॉक्स से बैठकर खेल के बारे में बात करना आसान है। मैं वास्तव में इस बारे में नहीं सोचता, तो मेरे लिए ये सिर्फ अपना काम करने के बारे में है। लोग खेल के बारे में अपने विचारों और धारणाओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इसे खेल रहे हैं वे जानते हैं कि क्या हो रहा है, और यह अब मेरे लिए अब आम बात की तरह है।